मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। फ्रेंड्स, काम तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपना कर अपने रोज़ के काम को हम बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीदी ये कैसे करूँ मैं, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहला टिप्स है मेरा इस तरह से कार्ट को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी हम मॉल से या बाहर से कहीं से भी कपड़े खरीद के लाते हैं ना, तो इस तरीके से उसमें टैग लगा होता है। और ये टैग ना, जो इसके कार्ड होता है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, मजबूत होता है और बहुत ही स्टिकी रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। तो आज मैं इसका यूज बताने वाली हूँ। इसे हम बेकार समझ के फेंक ही देते हैं, लेकिन आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ, जो आपके बहुत ही काम आएगा ये। तो ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो बढ़िया वाला कार्ड है ना, उसको इस तरीके से ले लेना है और इस तरीके से इसको पीसेज में हमें कट करना है। ठीक है, देखिए, तो मैंने यहाँ पे, अब अपने हिसाब से वीडियो देखने के बाद इसे कट कर लीजिएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब बाकी को भी आप इसी तरीके से अपने हिसाब से कट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है ना, इसमें होल करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं पिन ले ली हूँ और पिन से मैं होल कर दूँगी इसमें। तो आपको एक बराबर दो होल करना है कुछ इस तरीके से। बहुत ही अच्छा ये टिप्स मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, आपके बहुत ही काम आएगा। देखिए, इस तरीके से इसमें हम मैंने होल कर दिया है। इसी तरीके से बाकी में भी आप होल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ना बालियाँ होती हैं, टब्स होते हैं, जो हम खरीद के लाते हैं और एक साथ ही डब्बे में रख देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका नग होता है, स्टोन होता है, वो एक साथ रगड़ खाने से निकल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से या तो किसी डब्बे में कॉटन बिछा के उस पर लगा दीजिए, या इस तरीके से कार्ड में लगा के रखेंगे ना, तो एक दूसरे से ये रगड़ नहीं खाएगा और बहुत ही अच्छे से सेफ रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, जब हम पैसे लगा के खरीद के अच्छी अच्छी बालियाँ, टब्स वगैरह कुछ भी लाते हैं, और ऐसे ही आप बिना केयर किए रखेंगे ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस तरीके से आप केयर के रखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये रह जाता है। देखिए, जैसे ना ये वाला है, या आप लटकन वाला हो, टब्स हो, तो इस तरीके से आप उसमें लगा कर रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका समय भी बचेगा। इस तरीके से आपको ख़राब नहीं होगा, बार बार ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। छोटी सी टिप्स है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही काम की। आप देख सकते हैं कितना यूजफुल है। तो एक बार इस टिप्स को ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड, चश्मा तो हम सब अपने घर में यूज़ करते ही हैं, कोई कोई नहीं भी करता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग घर में कोई ना कोई चश्मा लगाते हैं। और आजकल तो बच्चों को भी चश्मा लगने लग गया है, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा और टीवी वगैरह बच्चे देखते हैं, तो उनके आंखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक प्रॉब्लम ये होती है, जब बच्चे चश्मा लगाते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते होंगे आप लोग। जब भी छोटे बच्चे उतना संभाल नहीं पाते चश्मे को, जब भी पहनते हैं चश्मे को और नीचे जब अपना सर झुकाते हैं ना, तो चश्मा जो है ना, वो सरक के गिर जाता है, जिससे हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और आप बनवाने जाएंगे तो आपका समय भी लगेगा। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप्स बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। आपको लेना है इस तरीके से रबर बैंड। ठीक है, इस रबर बैंड को आपको क्या करना है ना, छोटा है तो ठीक है, बड़ा है तो इसको डबल फोल्ड कर दीजिए, और जो कान के पास वाला एरिया है ना, इस तरीके से आपको वहाँ पे लगा देना है। कई राउंड करके लगा दीजिए तो वहाँ पे अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा के इसको ऊपर की तरफ, जहाँ पे कान के पास जो आ रहा है ना एरिया, वहीं पे आपको इसी तरीके से लगाना है, जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ। इससे आपकी बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, जो सरकता है ना वो चीज़ नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे से वहाँ स्टिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ ही रबड़ को लगा दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं भी लगा के आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कितना अच्छा ये वर्क करता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी बेटी को पहना रखा है और इस कान के पास लगा दिया है, क्योंकि वो भी खेलती कूदती रहती है, तो इस तरीके से चश्मे को तोड़ देती है, गिरा देती है, फिर बनवाना पड़ता है। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो सोचा मैंने आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से आटे को लेकर। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें आटा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, या आटा तो लगाना ही है तो हाथ लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है।
तो आज मैं ना इसका बहुत ही आसान सा उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आपको हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका आटा भी गुथ जाएगा। बस एक छोटा सा यहाँ पे टिप्स अपना लीजिए, ट्रिक भी अपना लीजिए कि आटा आपको लेना है किसी गहरे बर्तन में, ठीक है। और इस तरीके से जो हम बैटर के लिए इस तरीके से इस टूल का यूज करते हैं ना, तो इसी टूल से आप इसको ना अच्छे से आटे को लगा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ दो तीन लोग जैसे बाहर जो फैमिली रहती है या जॉब वाले हैं तो दो ही तीन जन लोग होते हैं, चार जन लोग होते हैं, तो उतना आटा आप इससे आराम से लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस तरीके से लपेट के और ढक के रख भी देंगे ना, तो जब बनाना हो रोटी उसके बाद इसको थोड़ा सा निकाल के साफ करके अपना हाथों से तेल लगा के गूँथ दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से ये गूँथ जाता है, बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप बिना हाथ लगाए आटे को गूँथ सकते हैं। बस इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को लपेटते रहना है, बहुत ही आसानी से धीरे से हो जाएगा। उसके बाद तेल के हाथ से ना इसको ढक के आप ऐसे ही रख दीजिए, जब बनाना हो रोटी तब थोड़ा सा घी या तेल अपने हाथों में लगा के और इस आटे के जो ऊपर का ये सब भाग लगा हुआ है ना, इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। ये आप चाकू से चम्मच से भी निकाल सकते हैं और इसको जो लगा है थोड़ा बहुत उसको पानी में फुला दीजिए, वो बाद में आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप बिना हाथ लगाए आटे को गूंथ सकते हैं। तो बहुत ही छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है। आई होप आप लोग को ये टिप्स पसंद आई, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ फ्रेंड्स। तो अगला टिप्स है मेरा इस तरह से बोतल को लेकर। देख फ्रेंड्स, इस तरह का बोतल तो हम सबके घर में होता है, गर्मियों का सीज़न है और इस तरह के बोतल हमारे घर में ढेर सारे आते ही रहते हैं, ठीक है, और जिसे हम बेकार समझ के फेंक ही देते हैं। लेकिन इस बोतल का ना बहुत ही अच्छे से आप यदि यूज आइडिया कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको काम में ले सकते हैं। तो उसी तरीके से ना मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बताने वाली हूँ टिप्स, जो आपके बड़े काम आने वाली है। जो लोग क्वार्टर में रहते हैं या जो छोटे एरिया में रहते हैं ना, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ही काम आने वाली है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है ना, इसी तरीके से बोतल को ले लेना है और इसको आप देख सकते हैं नीचे से मैंने कट कर दिया है और ऊपर का भाग भी मैंने कट कर दिया है। दोनों तरफ बोतल में निशान बना होता है ना, उसी भाग को आप ऊपर नीचे से इस तरीके से आप कट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका भी यूज मैंने ना अपने चैनल पर डाला हुआ है, इसका भी टिप्स ना मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैंने अपने वीडियो पे चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ इस बोतल को बीच से कट कर लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कट करने के बाद आपको लेना है डबल साइडेड टेप। आपको डबल साइड टेप लेके और जिस तरफ से ओपन है ठीक उसके बैक साइड में इसको स्टिक कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए आप लंबा भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ दो पार्ट में इसको लगा दी हूँ, पहले से मैं कट की थी तो मैं यहाँ वहीं पे लगा दी हूँ, ठीक है। अच्छे से लगाना है ताकि आप जहाँ भी इसको लगाए वहाँ अच्छे से स्टिक हो जाए। अब इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी वीडियो में, लास्ट तक बने रहेगा, स्किप मत करिएगा। देखिए इस तरीके से पहले इसका पेपर हम रिमूव कर देते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हमें यूज कहाँ करना है और कैसे करना है। बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ, आपके बहुत ही काम आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हमें कहाँ और कैसे यूज करना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको स्टिक कर देना है दीवार पे इस तरीके से, जहाँ आप अपने वाइपर को रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पानी वाला काम करते हैं और उसका वाइपर करते हैं, पानी को काचते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वाइपर को रखने की, उसे हम इधर उधर कहीं भी स्टैंड किए रहते हैं। तो आप इसे चाहे दरवाजे के पीछे या बाथरूम के दरवाजे के पीछे, कहीं भी जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ पर इस तरीके से बोतल को काट के चिपका दीजिए और उसमें अपने वाइपर को स्टैंड कर दीजिए। बहुत ही अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम आने वाले। इस तरीके से क्या होगा ना कि जब आप उल्टा करके रखेंगे ना, तो उसका पानी है ना वो सारा नीचे आ जाएगा और जो उसके अंदर का पार्ट है वो ख़राब भी नहीं होगा। ज़्यादातर पानी से पानी अंदर जाने की वजह से ना मूर्छा लग जाता है और वो ख़राब होने लगता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सारा पानी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से उसको दीवार पे स्टैंड कर सकते हैं, वो सामने से दिखेगा भी नहीं, क्योंकि झाड़ू पोछा या वाइपर जो होता है ना सामने रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसका दरवाजे के पीछे इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। बहुत छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आई हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नए यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।